हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव टॉक्स पल्लव। कमांडो रेनेगेड 300 की बात करें तो इस क्रूज़र बाइक को यूएम ने एलएमएल के साथ मिलकर ईयर 2016 में इंडिया में लॉन्च किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं कमांडो रेनेगेड के स्पेशल एडिशन वेरिएंट को लेकर आया हूं। जी हां, यूएम यानी यूनाइटेड मोटर्स ने कमांडो रेनेगेड का क्लासिक एडिशन 2018 में लॉन्च किया था। इसमें फ्रंट वाइजर दिया गया था, टैंक पर कमांडो क्लासिक की बैजिंग आती थी, इंजन के ऊपर दोनों साइड में यूएम का लोगो आता था। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लेदरेट का सेडल बैग दिख रहा है स्टॉक है, गाड़ी में कंपनी से ही लगकर आता था। यूएम ने इस कलर थीम को कॉपर व्हाइट का नाम दिया था। गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स जानने से पहले आइए चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं और साउंड सुनते हैं। डुअल टोन फ्रंट मडगार्ड के दोनों तरफ क्लासिक टेक्स्ट का क्रोम स्टिकर आता था। गाड़ी के सीट कवर्स और बैकरेस्ट कुशन डार्क ब्राउन कलर के लेदरेट में आते थे। सैडल बैग पर कमांडो क्लासिक और रेनेगेड की मेटल बैजिंग आती थी। रेक्टेंगुलर शेप में सिल्वर फिनिश के साथ पिलियन बैकरेस्ट आता था इस गाड़ी में। 6-speed गियरबॉक्स के साथ 280cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया था। रियर में ड्रम ब्रेक्स के साथ इस गाड़ी में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स दिए गए थे। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ कई जगह आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिलती थी। इसमें डार्क ब्राउन स्टेप सीट पर क्लासिक की स्टैंपिंग आती थी। कास्टेड हैंडल क्लिप पर रेनेगेड लिखा हुआ आता था। रियर में यूएसए का सर्कुलर फ्लैग आता था। टैंक पर क्रोम फिनिश में आईपी क्लस्टर दिया गया था। इसमें मोबाइल चार्ज करने के लिए 2.0 यूएसबी पोर्ट भी दिया गया था। इस गाड़ी के कुछ फीचर्स बहुत ही यूनिक थे। इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया गया था, गाड़ी किस गियर में चल रही है स्क्रीन पर देखकर पता लग जाता था। 280cc की ये गाड़ी 24.8 bhp की पावर जनरेट करती थी, साथ ही साथ 23 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। 18 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी FI सिस्टम के साथ आती थी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।